अभी जानते हैं वो कौन से ऐसे जरूरी काम है जो कि 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लेना आपके लिए जरूरी होगा। पहला, पैन से आधार लिंक करना। ना कराने पे हो सकता है आपको जुर्माना। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2022 है। अगर पैन कार्ड धारक इसे आखिरी दिनांक तक लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। बैंक खाते खोलना, शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने आदि के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है। इसके अलावा ज्यादातर वित्तीय संस्थान KYC के लिए ग्राहकों से उनका पैन मांगा जाता है। समय सीमा से पहले 2 दस्तावेजों को लिंक करने में विफलता के लिए आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 की जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नव वित्तीय वर्ष के पहले 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। निपटा लीजिए जरूरी काम। दरअसल नए वित्तीय वर्ष 2022 से इसकी शुरुआत अप्रैल महीने में शुक्रवार को होने जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग 31 मार्च को है। नए वित्तीय वर्ष के पहले माह में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधी कुछ भी जरूरी काम है तो निपटा ही ले। साल के पहले दिन वार्षिक लेखाबंदी के चलते कामकाज नहीं होगा। वहीं 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का छुट्टी होने के कारण बैंक रहेगा। उसके बाद 3 को रविवार है। इसके अलावा भी अप्रैल में कई ऐसी छुट्टियां भर रही है। आइए जानते हैं वो लिस्ट क्या है। अप्रैल में बैंक की छुट्टी कुछ इस तरह है। 1 को सालाना लेखाबंदी, 2 को गुड़ी पड़वा, 3 को रविवार, 9 को सेकेंड सैटरडे, 10 को रामनवमी, 11 को रविवार, 14 को महावीर जयंती, 15 को गुड फ्राइडे, 17 को ईस्टर रविवार, 25 को सैटरडे और 29 को जुम्मत अलविदा। 31 मार्च से पहले भर ले ITR। अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न ITR नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर भर दें। स्थिति तक रिवाइज ITR भी दाखिल कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई करेक्शन भी है तो भी 31 मार्च लास्ट डेट है। अगर ना किया तो इसके बाद आपको मोटी पेनाल्टी भी भरनी होगी। अन्य ऐसी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज़ के साथ।